दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ग्रो करने वाले हैं गाजर को अपने टेरेस गार्डनिंग में। काफ़ी टाइम बाद, मतलब कि काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे कि हम वीडियो डालेंगे गाजर उगाने की, पर हम डाल नहीं पा रहे थे। आज फाइनली ये वीडियो आ गई है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बात करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट जितने भी हम डालते हैं वो सब जल्दी से जल्दी मिलें। और ऐसी हमारी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो आज गाजर उगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हम आपको बताते हैं। आज पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आप अपने घर पर इजीली कैसे गाजर को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो सॉइल है। सॉइल तो मेन कंपोनेंट होता है किसी भी पौधे को उगाने के लिए। तो जो मिट्टी है उसको आपको कैसे तैयार करना है गाजर उगाने के लिए वो आपको बताएंगे सबसे पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप कि आपको कौन से सीड्स का इस्तेमाल करना है, और तीसरा स्टेप कि आपको कौन सा ग्रो बैग या कौन सा सूटेबल आपको इसके लिए पॉट वगैरह या ग्रो बैग हो गया या कुछ भी, मतलब गमला आपको कितने वाली साइज का चाहिए इसके लिए। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिट्टी है जो हमारे सामने, ये तो हमने पहले से तैयार कर रखी है, पर हम आपको सब प्रोसेस बताएंगे। जैसे कि आप लोग सबसे पहले गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी को तैयार करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने गोबर की खाद रखी हुई है, ये इजीली आपके आसपास पड़ोस में जहाँ पर गाय वगैरह होती है वहाँ पर इजीली अवेलेबल होगी। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको एक साल पुराना गोबर का खाद मिलता है तो आपके पौधों के लिए बेस्ट है, बाकी तो आप चाहे दो साल भी ले सकते हैं तो और बेस्ट निकलेगा। मतलब कि आपको पुरानी से पुरानी गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है मिट्टी को तैयार करने के लिए बोन मील वगैरह, ये सब होगी, ये सब फर्टिलाइजर्स में आते हैं। बोन मील जैसे कि ये कीटनाशक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, DTH पाउडर, और जैसे कि आप लोग कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल, तो बोन मील का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए। नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग ये सब चीज़ें मिला के, मतलब कि आपको अगर 40% सॉइल लेनी है तो उसके अंदर आपको, तो आपको उसके अंदर 60% गोबर की खाद वगैरह जितने भी ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये सब हो गया आपको मिलाने। अगर आप चाहे तो 30% गार्डन सॉइल ले सकते हैं और उसके अंदर आप 70% ये खाद वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा पौधा ग्रो करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको मिट्टी तैयार करने के लिए गोबर की खाद लेनी है, उसके बाद बोन मील वगैरह ये सब हो गए, और दोस्तों कोकोपीट अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। और तो दोस्तों ये खाद थी, और आप लोग वर्मी कंपोस्ट चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ों को मिक्सर करके आप लोग एकदम बेस्ट मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मैंने इसकी भी वीडियो डाली है कि आप गार्डन के लिए आप मिट्टी कैसे तैयार करें, तो वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको, अगर इस वाली वीडियो में अगर अच्छी तरह से ना समझ आए तो। तो अब दोस्तों अब आपको दूसरा स्टेप में ले चलते हैं। दूसरा स्टेप था हमारा कि हम कितने बाय कितने का ग्रो बैग इसके लिए इस्तेमाल करेंगे या कौन सी सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब सबसे पहले आपको ग्रो बैग दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो ग्रो बैग लिया है ये 24x10 है, मतलब 24x10 का ग्रो बैग लिया है हमने। इसके अंदर आप लोग चाहें तो गाजर, मूली, चुकंदर वगैरह इसके अंदर आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमने आपको बताया, या दूसरी मतलब कि जो हमारा स्टेप था इस वीडियो का, उसके अंदर आपने आपको ग्रो बैग का साइज़ बताया कि आपको कितनी बाय कितने का ग्रो बैग लेना है, और पहले स्टेप में हमने आपको मिट्टी तैयार करना बताया। अब तीसरे स्टेप में चलते हैं। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि आपको कौन से सीड्स का इस्तेमाल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिच ग्रो के हमने हाइब्रिड सीड्स लिए हैं, आप चाहे तो कोई और कंपनी के भी ले सकते हैं जो कि आपके नज़दीकी सीड्स स्टोर पर अवेलेबल हों। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो कि आपको बीज लेने हैं ये F1 क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स ही लेने हैं, क्योंकि F1 की जो जर्मिनेशन होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, और एक बार ख़रीदने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर लीजिएगा और सारा कुछ चेक कर लीजिएगा अगर इसके पीछे जो भी लिखा होता है। आज की इस वीडियो में हम जो कि हम गाजर उगाने के लिए ले रहे हैं वो रिच ग्रो के सीड्स ले रहे हैं, रेड क्वीन कैरेट ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस सीड्स के हम इस्तेमाल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये सीड्स बढ़िया हैं, वो तो जर्मिनेट होने के बाद पता चल ही जाएगा कि ये सीड्स कैसे हैं, बट हमने F1 क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स ही लिए हैं गाजर के लिए। अब दोस्तों चलिए आइए अब सबसे मेन वीडियो का पार्ट शुरू करते हैं। अब इसे हम लोग इसके अंदर सोइंग करना शुरू करते हैं, मतलब कि बोना शुरू करते हैं गाजर को।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर से हमें पैकेट मिली है ये बीज की, ये देखिए बिल्कुल पैक है। ये हाइब्रिड रिच ग्रो की सीड्स है जो भी है गाजर की, तो एकदम इस सीड्स के अंदर पैकेट मिली है हमें पैक होके। अब इसे खोलते हैं, ओपन करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर से सीड्स निकली हैं कैरेट की। और अब आपको सबसे मेन चीज़ बताते हैं कि आपको कितनी कितनी दूरी पे इसको गाड़ना है। तो आपको एक एक इंच की दूरी पे इसे लगाना है इसके सीड्स को, मतलब कि एक सीड्स जैसे एक इंच की एक लगा दिया, फिर उसके एक इंच बाद दूसरा लगा दिया, उसके फिर तीसरा एक इंच, ऐसे आपको एक एक इंच का गैप दे के हर सीड्स को लगाना है। तो आइए हम लगाते हैं, हम देख सकते हैं आप लोग, आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगाना है जिससे कि आपकी गाजर अच्छी तरह से ग्रो करें। तो जैसे कि आपको किसी भी नुकीली चीज़ से इसके अंदर मिट्टी के अंदर आपको होल कर लेने हैं एक एक इंच की दूरी पर। ये देख सकते हैं जैसे कि हम लोग करते जा रहे हैं लकड़ी की मदद से किसी, ये देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो कि आप जो ये होल कर रहे हैं ये ज़्यादा कोने के अंदर ना हो, मतलब कि कोने के जैसे कि कोना है तो इससे इतने इतने यहाँ इस तरफ हो, मतलब कि बिल्कुल मिड ऑफ में, जैसे कि गाजर ज़्यादा नीचे भी ना खिसके आपकी, तो ये मिड ऑफ में होनी चाहिए आपके जितने भी हैं अच्छी तरह से। तो ये हमने होल कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, हमने बिल्कुल गोलाई में होल किए हैं, ये देखिए। तो आपको इसके जितने भी होल किए हैं उनके अंदर आपको एक एक बीज डाल देना है, जैसे कि हम लोग डाल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, एक होल के अंदर एक बीज आपको डाल देना है, ये देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों इसी तरीके से आपको पूरे ग्रो बैग के अंदर अच्छी तरह से डाल देने हैं और अच्छी तरह से इसे पानी दे देना है, जिससे कि आपको 3 से 4 दिन तक पानी देने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, लग रही हो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी, तो प्लीज़ लाइक कर दे, जल्दी जल्दी से लाइक टाइम रखते हैं 40 का। और अब हम इसको आपको पानी डाल के पूरा अच्छी तरह से दिखाते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सीड्स चारों तरफ डाल दिए अच्छी तरह से, अब इसको हम मिट्टी से ऊपर से कवर कर देंगे अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से आपको एकदम मिट्टी से इसे कवर कर देना, ये देखिए कि कोई भी आपका सीड्स दिखाई ना दे। और फिर कवर करने के बाद इसको अंदर इसके अंदर आपको अच्छी तरह से पानी डाल देना है। और ये दोस्तों हमने हल्का हल्का से इसके ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने हल्का हल्का से इस्तेमाल कर दिया इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट, जिससे कि ऊपर से इसे मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से मिलता रहे और न्यूट्रिशन भी मिलते रहे। अब दोस्तों लास्ट स्टेप हमारा है, इसके अंदर हम अच्छी तरह से पानी से फिल कर देंगे, मतलब कि इतना पानी डाल देंगे लबालब अच्छी तरह से, जैसे कि हमें 3 से लेकर 4 दिन तक कोई ज़रूरत ना पड़े। और फिर इसे किसी भी आप चाहे तो किसी भी कपड़े से ढक के रख सकते हैं, जिससे कि वीड सीड्स जर्मिनेट जल्दी करें। आप देख सकते हैं ये लोग हम पानी डालने लगे हैं इसमें अच्छी तरह से, आपको चारों तरफ डाल देना है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये देख सकते हैं आप सब, एकदम हमने अच्छी तरह से इसको फिल कर दिया वाटर के साथ। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग ग्रो करेंगे रेडिश वगैरह, वो वीडियो भी आपको जल्दी पब्लिश करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो का लाइक हमने आपको बता ही दिया है, 50 लाख का प्लीज़ कर दिएगा पूरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।